स्टूडेंट्स टूडे वी आर हेयर टू डिस्कस ट्वेंटी ट्वेंटी पेपर बहुत अच्छा गया होगा तो पेपर आपका अभी कंडक्ट हुआ था टू टू फोर एंड इट इज वॉट इट इज फोर फिफ्टी वन राइट हूँ अभी एक घंटा भी नहीं हुआ पेपर हुए हुए वी आर वन ऑफ द फर्स्ट वन टू डू दिसिस एंड लेटे सी कि इस साल आपका क्लैट का पेपर कैसा था सो बिफोर मैं आपको इन डेप्थ बताऊँ पेपर में क्या चीज़ें मैंने ऑब्जर्व करी पहली चीज तो आई कैन से फॉर श्योर दैट दिस ईयर्स क्लैट पेपर was easier, much easier than last year's CLAT paper. So CLAT 2025 काफी इजी था last year से आपके चार sections English, GK, reasoning and law चारों sections last year से इजी थे Maths is the only section where I felt कि last year से आपका paper थोड़ा सा difficult था All right. तो so ईजी मैं किस तरह से बोलूंगी कि लेवल ऑफ क्वेश्चंस भी आपके इजी थे और पेपर भी आपका काफी कम लेंदी था प्लैट में एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है पेपर कंप्लीट करना बट इस साल शायद आपने वो चैलेंज नहीं इतना फेस किया होगा बिकॉज क्वेश्चंस आपके थोड़े छोटे आए हैं आपका बहुत डिटेल्ड पेपर नहीं आया है और बहुत लेंदी पेपर नहीं आया है सो इन स्टाइड मैं आपको सिर्फ वर्बली बताऊँ लेटर्स हैव अ लुक सेक्शन बाय सेक्शन एंड क्विकली वील सी एंड वेरी सोन वील रिलीज द आंसर की ऑल्सो तो आप आंसर की भी चेक कर लेना एंड यू विल नो योर स्कोर एंड लेटर्स सी द पेपर सो दिस इज द पेपर विच वॉज कंडक्टेड टूडे और राइट ये मैं आपको एट द एंड ऑफ़ द वीडियो भी दे दूंगी सो दैट यू नो यू कैन हैव अ लुक एट द पेपर प्लस विल गिव यू द टाइप्ड पेपर ऑल्सो नाउ इफ आई टॉक ऑफ इंग्लिश सेक्शन द फर्स्ट सेक्शन वॉज इंग्लिश आपके पैसेजेस कम्पेरेटिवली काफ़ी छोटे हैं दैन लास्ट ईयर एंड आपके सिंगल सिंगल क्वेश्चन आए बहुत लेंदी क्वेश्चन नहीं हैं तो so, अगर आपने थोड़ा सा भी पैसेज पढ़ा तो यू विल रियलाइज इट्स सिंपल पैसेज एंड काफ़ी इसमें आपकी वो कैब चेक हो रही है ठीक है कॉम्प्रीहेंशन स्किल से ज़्यादा आपकी वो कैब चेक हो रही है इसके बाद नेक्स्ट भी आपका पैसेज इजी है छोटा सा पैसेज है एजुकेशन से रिलेटेड बाय स्वामी विवेकानंद एंड यू कैन सी द लेंथ ऑफ द क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन ओके बहुत लेंथी क्वेश्चन नहीं है अगेन अ स्मॉल पैसेज तो पैसेज की लेंथ कंपेरेटिवली काफ़ी छोटी है अगर करंट अफेयर के सेक्शन की बात करूँ तो दिस वॉज अ गेम चेंजर बिकॉज सारे क्वेश्चन उन टॉपिक्स आए हैं दैट वॉज वेरी मच एक्सपेक्टेड जैसे पहला आपका क्वेश्चन आया है ब्रिक्स समिट से रिलेटेड ऑब्वियसली ब्रिक्स सबिट हुआ है उससे क्वेश्चन तो बहुत एक्सपेक्टेड था बहुत डेप्थ में क्लास में पढ़ाया गया था पूरे के पूरे दो सेक्स आपकी क्लास सेशन्स ब्रिक्स को दिए गए थे तो अगर आपने क्लास अटेंड करी थी हंड्रेड परसेंट आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे तो ब्रिक्स से रिलेटेड आपका क्वेश्चन आयान वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन फ्राम ब्रिक्स जैसे कि वॉट डज द लेटर एस स्टैंड एंड ब्रिक्स इनिशिएटिव ऑफ बिग कैटेलाइंस रेफर्स टू वॉट वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन वेरी इजी देन आपके नेक्स्ट क्वेश्चन आए हैं आर्टिकल 370 सेवेंटी से रिलेटेड वी कंडक्ट अगेन अ वन फुल क्लास फॉर आर्टिकल 370 सेवेंटी एंड अगेन वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रॉम देट सो आई एम श्योर यू आर एबल टू आंसर वेरी इजिली देन नारी शक्ति अधिनियम इसके ऊपर भी आपकी पूरी क्लास हुई थी एंड आई एम श्योर आपने बहुत अच्छे से टॉपिक पढ़ा था तो डेफिनेटली इसके क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाए हो गए बड़ी खुशी भी होगी सॉरी दिस इज अ जनरल वीडियो सो आई एम जस्ट केटरिंग टू जनरली एवरीबडी बट आई एम बेसिकली टॉकिंग अबाउट माई स्टूडेंट्स अगर आप मान सक हो कि स्टूडेंस हो तो आप डेफिनेटली उसको सॉल्व कर पाएंगे राइट देन आपका है ये ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ओके सो आई आई एफ आई सी सी आई इट वॉज कंडेड इन दिस थिंग दिस वॉज कंडेड इन स्टैटिक जीके सिविल डिसोबीडियंस एंड आई एमटी श्योर यू वर एबल टू सॉल्व दिस ऑल्सो अगेन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से रिलेटेड बेसिक हिस्ट्री हिस्ट्री uh, में हमेशा फोकस बीसी पे किया जाता है जब हम पढ़ाते हुए तो फोकस किया जाता है आपका इस पे फ्रीडम फ्रीडम मूवमेंट पे तो वहाँ से आपका क्वेश्चन था एंड देन ऑब्वियसली ओलंपिक्स ओलंपिक्स डेफिनेटली वेरी डीपली कवर्ड एंड आई एम श्योर ओलंपिक्स सबने पढ़ा था तो ओलंपिक्स से रिलेटेड आपके क्वेश्चन थे तो जी सेक्शन आई वुड से वॉज वेरी इजी इट वॉज वेरी मच ईजी टू स्कोर हंड्रेड परसेंट इन दिस सेक्शन दिस टाइम बिकॉज क्वेश्चन डायरेक्टली उन टॉपिक्स से आए थे जो कि बिल्कुल एक्सपेक्टेड थे इफ़ यू टॉक ऑफ लीगल रीजनिंग तो लीगल रीजनिंग में आप देखोगे आपके बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं करंट लीगल से एंड कुछ आपके डायरेक्ट क्वेश्चन आए हैं आपके स्टार्टिक लीगल से सो जैसे आपका ये एन सी आर बी से रिलेटेड पॉक्सो हमेशा इन होता है पॉक्सो पे पूरी क्लास आपको पॉक्सो पे दो तीन क्लासेज इनफैक्ट आपको दी जाती हैं सो आई एम श्योर यू मस्ट है फाउंड इट्स वेरी ईजी Then, उसके बाद अगर हम बात करें देन यू हैव पेरिस अग्रीमेंट देखो हमेशा एन्वायरमेंट तो एक uh, सबसे ज़्यादा हॉट टॉपिक रहता है ये एग्जाम्स में एंड uh, ये अगेन दिस वॉज फ्राम करंट एंड यू कुड लीगल करंट यू कुड इजिली आंसर दिस देन कॉन्ट्रैक्ट वॉट इज अग्रीमेंट वॉट इज़ नॉट दिस इज टॉट इन द फर्स्ट टू क्लासेज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सो आई एम श्योर

अनफे मीन्स पेपर्स में जो यूज होता है तो उसके अंडर क्या क्या चार्जेस uh, लग सकते हैं तो एवरीथिंग वॉज टॉट सो टिलोर आई वु पेपर वॉज वेरी ईजी देन राइट टू प्रिवेसी ऑलवेज हॉट टॉपिक राइट टू प्रिवेसी आपको बहुत डिटेल में पढ़ाया जाता है एंड आई एम श्योर आपने पढ़ा भी होगा एंड राइट टू प्रिवेसी के ऊपर आपका एक uh, पूरा पैसेज आया है वेरी मच ईजी स्पेशली नाउ आई वुड लाइक टू टॉक टू अबाउट लॉजिकल रीजनिंग देखो क्लैट में लॉजिकल रीजनिंग में हमेशा आपका सेक्शन आता है एनालिटिकल रीजनिंग से लॉजिकल से पिछले कुछ सालों से नहीं आ रहा था बट सरप्राइजिंगली इस साल आपके क्वेश्चन लॉजिकल रीजनिंग से भी आए हैं एंड सिचुएशन रिएक्शन से भी आए हैं टू जज यू एज अ पर्सन तो सिर्फ आपकी कॉम्प्रीहेंशन स्किल्स को ना चेक करके इस बार उन्होंने आपकी लॉजिकल स्किल्स एंड साथ में वॉट वुड यू डू इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन ये भी आपसे चेक करना चाह रहे हैं एंड सो आई एम श्योर This year, people are everyone's going to perform better in the, the reasoning section. And uh, small passages are there, and it's uh, very very uh, doable. See now this question: You are a consultant in the company, and what would you do? So this type of, this type of situations are there. Then your question is ranking and arrangement. You are sitting in a circle. This one is third from you. That one is fourth from you. You can score 100% in that. So I would like to say that CLAT has moved towards a more reasonable paper now. That students can prepare uh, a certain way. And you uh, can understand the paper can ki control do the right preparation. So I am very happy with the paper. And another passage. Simple. Your mental health related passage here. Technology related. You could solve this. बट सींग दैट आई हैव अब तक आई हैव टोल्ड यू दैट ऑल फोर सेक्शंस आर माई चीज कम्पेयर टू लास्ट ईयर एंड आई एम श्योर स्टूडेंट्स फॉर वेरी हैप्पी मैथ्स इज द ओनली सेक्शन वेर आई फेल्ट कि लास्ट ईयर से इस साल पेपर थोड़ा सा मुश्किल था सो मैथ्स में आपके दो ही क्वेश्चन आए हैं दो पैसेजेस आए हैं और क्वेश्चन इसमें से फर्स्ट क्वेश्चन इज वेरी टाइम टेकिंग ओके अगर आप अटैम्प्ट करोगे तो आपको लगेगा कि शायद मे बी इसको मैं एंड में अटैम्प करूँ तो डुएबल तो है पैसेज परसेंटेज से रिलेटेड है यहाँ पे आपकी रेशियो एंड एवरेज की स्किल्स को भी चेक करा जा रहा है इस पैसेज में बट लेंदी है लास्ट ईयर आपके दो क्वेश्चन आए थे दो क्वेश्चन ईच कंसिस्टिंग ऑफ सिक्स सिक्स क्वेश्चन तो बारह क्वेश्चन टोटल तो दे वर वेरी ईजी उसके कंपेरिजन में आई वुड से इस साल आपका पेपर थोड़ा सा डिफिकल्ट है मैथ्स का दिस इज ईजी बट जो आपका सेकेंड क्वेश्चन आए हैं दैट इज रेलेटिवली दिस इज डिफिकल्ट सॉरी एंड जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आए हैं दैट इज रेलेटिवली ईजी यहाँ पे बस आपको एक पाई चार्टिस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दी है एंड एक ये बस थोड़ी टेक्निकल लाइन दे दी एंड अ टेन परसेंट ऑफ हाउसेंड अलॉइंट्स सिर्फ ये टेक्निकल लाइन है अगर आपने ये समझ लिया तो इसको सॉल्व करना बहुत ईजी था सो ऑल एंड ऑल आई वुड लाइक टू सेट दिस ईयर फ्लैट पेपर वॉज मच इजियोर दैन लास्ट ईयर इफ यू आर रेगुलर विदआउट प्रिपरेशन दैन आई एम श्योर क्रैकिंग दिस यस फ्लैट वॉज अ वेरी ईजी टास्क फॉर यू एंड वी आर गोइंग टू रिलीज द आंसर की वेरी सून यूल गेट द आंसर की यू कैन चेक द स्कोर And we will attach the paper also at the end of the video. Top paper bhi raksakti Answer key also will give it to you soon. And I hope all of you will do very well. In case you have any doubts, please contact us. And I hope this session was very useful for you. Thank you.